तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान में पहुंचे हैं वो स्थान का नाम है गंभीरा। कहते गंभीरा मतलब क्या है, मतलब गंभीरा मतलब होता है गंभीर, इसलिए कहते ये दो तरह से ये गंभीर है। मतलब पहला नंबर है हम लोग ऐसे आए, फिर ऐसे करके फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, इसलिए महाप्रभु का जो स्थान है ये उड़ीसा भाषा में गंभीरा मतलब बड़े सीक्रेट स्थान है, जो गोपनीय स्थान है। ऐसे 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 फिर ऐसे फिर महाप्रभु का घर देखा जहाँ पर महाप्रभु रहा करते थे। कहते ये एक अर्थ है, साधारण अर्थ है। कहते इसका जो विशेष अर्थ है गंभीरा मतलब होता है गंभीर। कहते गंभीर क्या गंभीर है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधिका भाव गंभीर। कहते सबसे ज्यादा गंभीर क्या चीज है, बोले श्रीमती राधा जी की जो भाव है वो अत्यंत अत्यंत गंभीर है। इसलिए जब श्री चैतन्य महा श्री कृष्णचंद्र इसी जगत में आए और आ करके भगवान होते हुए भी उन्होंने दास्य सख्य बात्सल्य और मधुर ये सारे रस को भगवान ने आस्वादन की, सखाओं का सख्य रस को, बात्सल्य का बात्सल्य रस को, श्रृंगार का मधुर रस को उन्होंने आस्वादन की। भगवान होते हुए भी उन्होंने अपना सारी भगवत को उन्होंने भूल गए, सखाओं का झूठन खाए, उनको कंधे पर चढ़ाए। अगर कभी कन्या मक्खन खा लिए तो मैया ने पूछी क्यों लाला तुमने मक्खन खाए, कृष्ण भगवान होते हुए भी कृष्ण कहते हैं बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो सुना मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो भोर भयो गई अन को पाते मासु बन मोई पटायो सुना मैया कृष्ण कहते मैया मैंने मक्खन नहीं खाई और भगवान को मैया ने उखल में बांध दी भगवान होते हुए भी और उन्होंने गोपियों को साथ में महाराज की। इसलिए जिनके चरण में कृष्ण स्वयं ऋणी बन जाते हैं, इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में जब चले गए एक दिन निकुंज मंदिर में बैठ करके कृष्ण सोच रहे हैं बोले सारे रस को मैंने आस्वादन की, मेरे मन में जो कुछ था लेकिन जो एक चीज ही जो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया बोले वो कौन सा चीज है, बोले श्री राधा जी की जो है प्रेम की जो महिमा, राधा जी की जो प्रेम की महिमा क्या है और मेरे अंदर में जो माधुर्य है, मैं जब अपना परछाई को देखता हूँ मैं स्वयं पागल बन जाता हूँ, ये कौन है, कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप को मैं आलिंगन करूंगा और राधा रानी मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करती है। इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में निकुंज में बैठी बैठ करके सोच रहे हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जब तक मैं ये दो चीज को मैं उधार नहीं लू तब तक ये चीज को नहीं समझ सकता हूँ। बोले वो दो चीज क्या है, बोले पहला चीज है राधा रानी की भाव है और दूसरे चीज है राधा जी की अंग कांति, उनका जो रंग है। ये दो चीज को लेकर के इसी जगत में मैं जाऊंगा और कैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती थी, हाँ कृष्ण कृष्ण बोलते करके पछाड़ खाया करती थी,
इसलिए जब मैं स्वयं राधा जी की भाव से है कृष्ण प्रेम में उन्माद नहीं बनूंगी, तभी ये चीज को मैं समझ पाऊंगा। इसलिए कलयुग में महाप्रभु राधा जी की भाव अंग का दिए दो चीज को लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। कहते उन्होंने ये चीज को कहां पर आस्वादन की, बल्कि यही कर इसी गंभीरा में ही 18 साल तक, 26 साल के बाद में सन्यासी ग्रहण किया, 6 साल सारे तीर्थ में भ्रमण की और कंटिन्यू 18 साल तक महाप्रभु यहीं पर रहे। रह करके गंभीरा को अंदर में बैठ करके राधा जी की भाव में और जहाँ पर श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद, ये कौन है? कहते एक ललिता और एक विशाखा, क्योंकि ये महाप्रभु का भाव को यही लोग ही समझा कर समझते। इसलिए महाप्रभु की भाव का अनुरूप कभी जयदेव, चंडीदास और विद्यापति, ये जो तीनों कवि हुए हैं, बड़ी बड़े रसी के बड़े कवि हुए हैं, जहां पर राधा जी की दिव्य उन्माद भाव को उन लोगों ने अभिव्यक्ति की है। इसलिए इन लोगों ने महाप्रभु के भाव के अनुरूप श्लोक और पद्य को बोल बोल करके महाप्रभु के भाव को बढ़ाया करते थे और महाप्रभु इसी गंभीरा में रात भर नहीं सोया करते थे हैं? और कभी कभी दीवार में अपना नाक को घिसते थे। कभी कभी ये दरवाजा बंद है, देखो एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, ये सारे दरवाजा बंद रहा करता था, लेकिन महाप्रभु पता नहीं कब ये सारे दरवाजा बंद के बंद है, लेकिन कब महाप्रभु निकल करके, कभी तो गुंडीचा मंदिर को सामने, कभी जगन्नाथ बल्लभ मंदिर है, कभी समुद्र में छलांग लगा देते, कभी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को सामने, कभी कभी महाप्रभु जैसे कछुआ बन जाते हैं, कछुआ जैसे है सारे हाथ पैर प्रेम में अंदर में चला जाता था। कभी कभी उनका जो ग्रंथि यहाँ से पूरा अलग हो जाती थी, लंबा हो जाता था हाथ पैर हैं। इसलिए महाप्रभु दिव्य दिव्य भाव को प्रकाश करते हुए पड़े रहते थे महाप्रभु को। फिर सवेरे जब उठते थे, वहां पर गोविंद दरवाजा बंद है, गोविंद वहां पर लेटा हुआ है, स्वरूप दामोदर राय रामानंद रात भर हैं रसास्वादन कराते हुए चले जाते थे, लेकिन जब दरवाजा खोलते थे, तीन तीन दरवाजा बंद है, लेकिन महाप्रभु पता नहीं कब निकल कर चले। फिर महाप्रभु को ढूंढते थे, महाप्रभु कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए। कभी कभी समुद्र को जमुना सोच करके कभी कभी महाप्रभु जमुना में छलांग लगा देते थे और जेली की चाल में कभी कभी निकलते थे। जहां पर हम रुके हैं, जहां पर हम रुके हैं वहीं पर जेली की चाल से महाप्रभु निकला करते थे। इसलिए यहीं पर महाप्रभु बैठ करके कहते जो रस को उन्होंने गोलोक वृंदावन में भी जो रस का आस्वादन नहीं कर पाए, कहते वो रस को महाप्रभु कहाँ आस्वादन किया, कहते इसी गंभीरा में बैठ करके वो दिव्य उन्माद राधा जी के प्रेम को उन्होंने यहीं पर आस्वादन किया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हैं यहीं पर महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद ये सारे परिकरों को लेकर के यहीं पर आस्वादन करते थे, यहीं पर भक्तों को लेकर के महाप्रभु हरि कीर्तन करते थे। इसलिए ये एक स्थान का नाम गंभीरा है। दूसरा जो इसका नाम बोले राधाकांत मठ है। कहते राधाकांत मठ नाम क्यों पड़ा, अब लोगों ने वहां पर एक ठाकुर दर्शन किए होंगे, वहां पर एक ठाकुर दर्शन किए होंगे, ये ठाकुर का नाम है राधाकांत है। जिस समय कांची विजय में, इसकी कथा बहुत लंबी कथा, हम मंदिर में जाकर के सब कथा सुनेंगे, आज जाकर कथा सुनेंगे, जब श्री स्वयं कृष्ण बलराम ने कैसे कांची विजय किया, विजय करके वहां से चार चीज ले आए थे। पहला चीज ले आए थे ये गोपीनाथ, ये राधा कांत को, दूसरा चीज भंड गणेश को, जगन्नाथ मंदिर को पीछे भंड गणेश, तीसरा चीज साखी गोपाल, चौथा चीज मयूर सिंहासन और पंचमा चीज जो लाए थे उनकी राजकुमारी को ले आए थे। इसलिए वहां से जो ठाकुर जी को ले आए थे राधा कांत को, उसी ठाकुर जी अभी इसी मंदिर में है, इसलिए उनके नाम से ये मंदिर का नाम है राधाकांत। क्या नाम है? राधा। क्या नाम है? राधाकांत, इसी नाम से प्रसिद्ध है। और एक वहां पर बढ़िया चीज, वहां पर श्री गोपाल गुरु जी है, यहाँ पर इसी साइड में देखना श्री गोपाल गुरु का विग्रह है। कहती है गोपाल गुरु जी
इनका एक शिष्य था जिनका नाम था क्या है, ध्यान चंद्र है। अभी नियम है, गुरु जी चले जाने से पहले नियम है, जो मंदिर जो कुछ नियम है शिष्यों का नाम पर लिख करके चले जानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी होता। लेकिन गोपाल गुरु भजनानंद ध्यान चांद भजनानंद, इसलिए उनको प्रॉपर्टी फॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, है? प्रॉपर्टी पर क्यों, तो भगवान की भजन यही तो असली संपत्ति ठाकुर जी की। गुरु जी से कौन सा संपत्ति ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे नहीं गुरु जी के पास में इसलिए रहे उनका पकेट में कितने पैसा है, है? कितने पैसा, जब गुरु जी चले जाएंगे ना उनकी पैसा और उनका जो प्रॉपर्टी इसमें ही ना जल नहीं, कहते ये शिष्य की पहचान नहीं है। शिष्य की असली पहचान है गुरु जी के पास में जो कृष्ण प्रेम धन है, गुरु जी के पास में जो कृष्ण प्रेम धन है वो धन को हम किसने ग्रहण कर पाए, ये असली चेले है, असली यही शिष्य है। इसलिए दुनिया की संपत्ति से नहीं कृष्ण प्रेम रूपी धन हम किसने ग्रहण कर पाए, इसलिए दोनों ही भजनानंद थे, इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए। जब ध्यान नहीं दिए, जब गुरु जी शरीर छोड़ दिए तो उन्होंने शिष्य का नाम पर लिख करके गए नहीं। अभी जो राजा था बोले तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है जो मंदिर है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में, गुरु जी ने तुम्हारे नाम पर लिख कर गए, बोले हम तो भजने में डूबे रहे, हम तो सोचे ही नहीं ये भैया बाद में क्या होगा नहीं होगा, हम सोचे ही नहीं, बोले आप ये मंदिर में रह नहीं सकते, मंदिर से निकलो, ये मंदिर अभी किसका है, सरकार के अधीन में चली जाएगी, ये मंदिर का आप कोई मालिक नहीं, गुरु जी तुमको लिख कर गए नहीं, अभी तो ये बड़े फाफड़े में पड़े, बड़े चिंता में, अभी क्या होगा। देखो गुरु जी कैसे नित्य है, कुछ भक्त गए जगन गए श्री वृंदावन दर्शन के लिए, वृंदावन दर्शन करते करते कहां पर गए, श्री धीर समीर में जब गए देखा वहां पर श्री गोपाल गुरु बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ग्रोज ग्रोज बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखा गोपाल गुरु बैठ कर भजन कर रहे हैं, बोला अरे ये तो शरीर छोड़ चुके थे यहाँ पर बैठ कर भजन कैसे कर रहे हैं, बड़ा उनको आश्चर्य लगा, बोले ऐसे ऐसे आपका जो शिष्य है ना ध्यान चांद इनको ऊपर बड़ा विपत्ति आई है, इसलिए आप जाकर के ये जिनको सॉल्व करो। अभी उन्होंने आकर के फिर ध्यान चांद को बोले तुम्हारी गुरु जी को देखा, फिर ध्यान चांद गए सचमुच से गुरुदेव एक स्वरूप में तो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन देखा दूसरे स्वरूप में गुरुदेव वहां पर भजन करते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं। अगर मेरे गुरुदेव कहते हैं असली शिष्य कौन है, कहते अगर शिष्य के हृदय निष्कपट हो, अगर शिष्य का हृदय निर्मल हो पवित्र हो, कहते गुरुदेव है ना जब जब वो गुरु जी को स्मरण करे तब तक गुरुदेव प्रकट होकर के उनकी जितने समस्या को गुरुदेव समाधान करते हैं, सारे समाधान करते हैं। चलो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब कोई जरूरत पड़ा प्रभुपाद स्वयं प्रकट होकर के उनकी सारे समस्या को समाधान किया। चलो बामन गोस्वामी महाराज जब कोई जरूरत पड़ता था गुरु जी का स्मरण करते थे, गुरुदेव प्रकट होकर के उनकी सारी समस्याओं को समाधान करते थे। अगर हम गुरु जी की सत शिष्य अगर हो पाए, निष्कपट अगर शिष्य हो पाए, फिर क्या होगा, गुरुदेव हमारे जितने सारे समस्याओं को गुरुदेव समाधान करते हैं। फिर जब ध्यान चांद गए बोले गुरुदेव चलो हमारा नाम पर लिख करके आना, नहीं तो सरकार दखल कर लेगा, बोले बेटा मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन वहां पर एक नीम वृक्ष में मैं प्रकट होऊंगा, वो नीम वृक्ष का मूर्ति बनाना और वो मूर्ति साक्षात रूप में मैं स्वयं प्रकट होकर के बात करूंगा। तो उन्होंने जो नीम वृक्ष रूप में प्रकट हुए, उन्होंने उसी नीम वृक्ष से, वो जो गोपाल गुरु है वहां पर जो विग्रह है, तो उन्होंने नीम वृक्ष से उन्होंने मूर्ति बनाया और मूर्ति स्वयं बात किया राजा से, मूर्ति स्वयं राजा से बात किया, नहीं मेरे बाद में मेरे जो शिष्य है श्री ध्यान चांद है, इसलिए ये संपत्ति का जो अधिकारी किसको ऊपर में, श्री ध्यान चांद में का ही इसकी अधिकार है। फिर राजा ने फिर छोड़ दी, इसलिए अभी भी वो मूर्ति है,
ठाकुर जी का उनको अलग उनको प्रसाद भोग लगता है, इसलिए आप लोग जाते समय जरूर ध्यानचंद को श्री गोपाल गुरु जी का दर्शन करना वहां पर, और ठाकुर जी का दर्शन करना। इसलिए ये जो स्थली है, सारे महाप्रभु का सारे भक्त, महाप्रभु जब एक समय श्री अद्वैत आचार्य ने बोले देखो हम हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय हम हरे कृष्ण नाम जप करते हैं। आज हम लोग हरे कृष्ण नाम नहीं जप करेंगे, आज क्या बोलेंगे? बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जोर से बोले सचिनंदन गौर हरि की। बोले आज सबके सब सचिनंदन गौर हरि कीर्तन करेंगे। अभी सबके सब जितने महाप्रभु का भक्त यहीं पर आए, सबके सब सचिनंदन गौर हरि सचिनंदन। महाप्रभु है ना, कभी भी महाप्रभु कभी नहीं बताया मेरे नाम को करो, कभी नहीं बताया। महाप्रभु हर समय बोलते थे, क्या बोलते थे? बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण सिख्या, राधा कृष्ण को जुगल की उपासना करो, राधा कृष्ण का नाम लो। महाप्रभु कभी नहीं बोलते थे। जब भक्त लोग जय सचिनंदन गौर हरि बोलते आए, महाप्रभु गंभीर हो गए, एकदम चुपचाप हो गए। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, सब भक्त लोग आए, महाप्रभु को प्रणाम किया, यही कर सबके सब प्रणाम किया। महाप्रभु बोले आज कौन सा नाम कर रहे थे, आज क्या नाम कर रहे थे? हैं? रोज रोज तो हरे कृष्ण नाम करते थे, आज कौन सा नाम कर रहे थे? इतने में पता नहीं कौन सा देश से हजार हजार लोग, पता नहीं कहां से आ गए, हजार हजार लोग आकर के बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। सबके सब महाप्रभु का नाम को लेकर कीर्तन करते करते आए। इतने में अद्वैत आचार्य बोले प्रभु हम तो सचिनंदन गौर हरि बोल रहे थे, हमें बंद कर दिया, इनको बंद करो। तब बोले जैसे सूर्य उदय हो गया, अगर कोई बोले सूरज को हम अपना हाथों से हाथ उठा करके सूर्य का छाया को हम बंद कर देंगे, सूर्य का रश्मि को हम ढक देंगे, हो सकता है हाथों से? कि तो उसी तरह आप भी सूर्य हैं, अगर आप प्रकट हो गए, आप सोचोगे हमें कोई नहीं पहचान सके, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है। फिर महाप्रभु चुप हो गए। देखो महाप्रभु हर समय शिक्षा दिया, क्या करो? राधा कृष्ण के भजन करो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या। इसलिए यहाँ पर तो बहुत पूरा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, जो सन्यासी लीला सब यहीं पर हुई, इसलिए स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। बोले श्री सचिनंदन गुरु हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, सपरिकर महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंद।